मॉर्निंग डू में आप सबका स्वागत। अच्छा, एक दिन प्रभु ने अपने जीवन में दान दिया, मैं थोड़ा यात्रा कर रहा हूँ। फिर भी आज छोटा सा एक संदेश आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। भजन संहिता 123 का तीसरा आयत ऐसे लिखा है, हम पर अनुग्रह कर हे प्रभु, हम पर अनुग्रह कर, हम बहुत अपमान से बड़े हुए, बहुत अपमानित हुआ कोई एक परमेश्वर का बच्चा का याजना उनका अरवाना। क्या परमेश्वर का बच्चा आप भी जीवन में निंदा को अपमान को सहन करने वाला व्यक्ति है? ये भजन संहिता आपके लिए। भक्त ने रो रो के प्रार्थना कर रो हुई, मेरे ऊपर अनुग्रह कर। जैसे उस जो आंधे बर्तिमाई ने प्रार्थना किया, उन्होंने रोया चिल्लाया, उन्होंने कहा हे दाऊद का संतान, मेरे ऊपर तरस खा, मेरे ऊपर अनुग्रह कर। आज सुबह आप भी प्रभु की उपस्थिति में रो रो के प्रार्थना कर दीजिए। भजन संहिता 123 का दूसरा आयत में लिखा है, जब तक आप अपने ऊपर अनुग्रह करेगा तब तक अपनी आंखों आपके ऊपर लगे रहेंगे। ऐसे प्रार्थना कर दीजिए, जब तक आप मुझे छुटकारा देगा तब तक मैं चुप बैठने वाला है। जैसे बर्तिमाई ने चिल्ला के उन्होंने यीशु से अपेक्षा किया और बाकी सभी लोग उनसे कहा चुप रहो, लेकिन वो चुप हुआ नहीं। जब तक उनका छुटकारा आया नहीं तब तक उन्होंने चिल्लाते रहा। अभी जब तक प्रभु का और से आपके ऊपर उनका अनुग्रह का मेघ बरसाएगा तब तक प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना में गिवअप करना नहीं है, सही समय में उचित समय में प्रभु आपके जीवन में उनका अनुग्रह का, उनका आशीष का, उनका छुटकारा का रास्ता जड़ों का खोलेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव ए वंडरफुल डे।